हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया हर्बल टिप्स एंड ग्रूमिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ओके। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो वाव का वाव स्किन साइंस का प्रोडक्ट है। और आज मैं आप लोग के साथ तीन प्रोडक्ट जो है उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जो फर्स्ट है वो विटामिन सी फेस वॉश है, सेकेंड हम आप लोग के साथ इसका मिस्ट शेयर करने वाली हूँ उसका रिव्यू, और थर्ड जो है वो विटामिन सी सीरम है, वाव का ही है ये तीनों प्रोडक्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जो फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो वाव का स्किन ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश है। इसमें जो इन्होंने क्लेम किया है वो कि आपके स्किन को ब्राइट करने में, स्किन को टोन करने में, इसकी जो आपके स्किन पे जो स्पॉट्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उसको रिड्यूस करेगा ये, और आपके जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन है उसको भी ये निखारेगा। और सबसे अच्छी बात जो हमें इसमें लगी है वो इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फर जो है नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कलर कोई भी सिंथेटिक कलर इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और इसकी ये पैकेजिंग है। और इस प्रोडक्ट के और भी डिटेल अगर आपको जानना है तो यहाँ पे इसका एक बारकोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करेंगे तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है और जो और भी डिटेल है वो आप इसको स्कैन करके आप उसको देख सकते हैं। तो जो ये विटामिन सी हमारा फेस वॉश है वो कुछ इस तरह का है, इसकी बॉटल जो है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये इसका जो ये ब्रश है ये सिलिकॉन से बना हुआ है। इसको आपको जो है अपने फेस पे आपको इस तरह से जो ये पीछे पंप दिया हुआ है इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो है इसका प्रोडक्ट जो है वो बाहर आएगा और आप डायरेक्टली इसको अपने स्किन पे जो है इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अभी आपको अपने स्किन पे ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा जो इसका फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और इसमें ये जो है विटामिन सी है तो इसमें इसके अंदर लेमन है और ऑरेंजेस हैं। और जब आप इसको अप्लाई करते हो अपने स्किन पे तो इसकी बहुत ही अच्छी सी जो है आपको जो है एक इसकी अच्छी फ्रेग्रेंस जो है आपको महसूस होती है। जो ये विटामिन सी फेस वॉश है इसको मैं अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप जो इसका पंप है पीछे से इस तरह से इसको आप प्रेस करते हैं तो ये प्रोडक्ट आ जाता है। एक से दो पंप आप को रिक्वायरमेंट होती है, ये इस तरह से आ जाएगा। इसी ब्रश के हेल्प से आप इसको ये जो ब्रश है वो सिलिकॉन से बना हुआ है तो ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपकी स्किन पे। ये अच्छी तरह जो है आपके फेस के जो है जो भी आपका फेस का ये नोज का एरिया है और यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको स्क्रब करके इस तरह से तो ये आप जो है आपकी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट भी करता है। बहुत ज़्यादा आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से लाइट हैंड से। एक से दो मिनट तक आप इस तरह से अपने फेस पे इसको क्लीन कर लीजिए। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम ऐसा लग रहा है कोई फ्रेश जो है लेमन आप स्क्वीज करके अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो, ऑरेंज अप्लाई कर रहे हो, उस तरह से इसकी जो है स्मेल है। कोई भी प्रोडक्ट आप नया लेते हैं वो आप पैच टेस्ट जरूर करें, भले वो 100% नेचुरल है फिर भी किसी को कोई भी प्रोडक्ट जो ऐसा है जो सूट नहीं करता है तो पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो आप पूरे फेस पे कभी अप्लाई नहीं करिए, कहीं थोड़ा सा अपने नेक एरिया पे ईयर के पीछे जो नया प्रोडक्ट आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो उसको ज़रूर आप एक बार पैच टेस्ट
करें, उसके बाद अपने फेस पे आप अप्लाई करें। ये एक मिनट, मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जो ये ब्रश है, अगर आप किसी के साथ जो ये फेस वॉश आप शेयर कर रहे हैं घर में, और भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो ब्रश है उसको आप निकाल करके आप जो है प्रोडक्ट वो जो आप पंप प्रेस करेंगे तो ये आपके हाथ में भी आ जाएगा। तो आप ऐसे ही अप्लाई करें, क्योंकि एक ही ब्रश से सब लोग अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो ठीक नहीं है, वो हाइजीन होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो ये सिलिकॉन का ब्रश है, ये आप इस तरह से ऐसे रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्टली जो है लेकर के हाथ पे प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने क्लीन कर लिया, मैं अभी आपको वॉश करके दिखाती हूँ। फेस मैंने वॉश कर लिया है इस तरह से। बहुत ही रिफ्रेशिंग है इसका जो टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई नहीं करता है। तो ये जिनकी ऑयली स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये जिस भी टाइप की स्किन है, कॉम्बिनेशन है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो ये विटामिन सी वाव का है, स्किन साइंस का टोनर है मिस्ट। ये इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। और सेम जो उन्होंने उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट में अपने क्लेम किया था, इसमें भी इसमें पैराबिन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, सल्फर नहीं है। ये किसी भी तरह का जो है इसके अंदर केमिकल नहीं है। और ये इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल विद द हेजल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर जो ये प्रोडक्ट है, अगर आपको दिख रहा हो तो इस पर। और यहाँ इनके हर प्रोडक्ट पे जो है इस तरह से बार कोड दिया हुआ है। अगर आप इसके जो है इसकी आप डिटेल जानना चाहते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के, तो आप इसको स्कैन करके आप जो है इसकी डिटेल जान सकते हैं। इसका जो इसकी जो टोनर की क्वांटिटी है वो काफ़ी है, इतनी बड़ी बॉटल है ये। और इसकी पैकेजिंग ही बहुत अच्छी है। जो टोनर है इसका वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगती है। ऐसा लगता है कि आप लेमन को स्क्वीज़ करके, ऑरेंज को स्क्वीज़ करके आप अप्लाई कर रहे हो। कोई भी टोनर जो है अप्लाई करने से पहले उसको अच्छी तरह से सेक कर लीजिए। और टोनर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये प्रिपेयर करता है जो आप इसके बाद मॉइस्चराइजर और या सीरम जो अप्लाई करने जा रहे हैं आप, उसके लिए आपकी स्किन को ये है प्रिपेयर करता है। इसको आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा इस तरह से पैट कर लीजिए और इसको अपने से ही आपके स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए। ये एक मिनट के अंदर आपकी स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है वाव का, स्किन साइंस का, ये विटामिन सी सीरम है। इसकी जो पैकेजिंग है वो इस तरह की है, इस तरह के छोटे से जो है कि कार्डबोर्ड की इसकी पैकेजिंग है। और इसमें भी जो पैराबिन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल फ्री है ये, और ये भी 100% जो है नेचुरल प्रोडक्ट है। और विटामिन सी विद द हेजल हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर। जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो इस सीरम का जो टेक्सचर है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। 2 से 3 पंप आपको लेना है। ये इस तरह से जो है जेल की तरह है, ये आप लेके अपने फेस पे अच्छी तरह से सब जगह डॉट करके लगा दीजिए। उसके बाद आप लाइट हैंड से इस तरह से ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और अच्छी तरह से जो है स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन
तकरीबन 2 मिनट लगता है इसको स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने में। इसकी भी स्मेल एकदम ऑरेंज और लेमन जैसी लग रही है, तो मुझे ये इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और क्योंकि ये केमिकल फ्री है तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और फिर भी जब भी आप कोई भी विटामिन सी के जो ये तीनों प्रोडक्ट हैं ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का जो है केमिकल नहीं है, तो ये मुझे प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आए। जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी नेचुरल है, और जो इसमें क्लेम किया गया है तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। और विटामिन सी कोई भी आप जैसे एसेंशियल ऑयल भी अगर अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको दिन में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप सन बाहर जा रहे हो, आपका सन से कांटेक्ट हो रहा है, बाहर आप जा रहे हैं, तो जो आपके जो ये प्रोडक्ट होता है विटामिन सी होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, स्किन जो स्किन है आपकी ब्लैक हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब मुझे पता नहीं था मैं लगा कर गई हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि तो जो भी विटामिन सी का सीरम है या फिर एसेंशियल ऑयल आप अप्लाई करते हैं विटामिन सी स्पेशली, वो आप अपने नाइट केयर रूटीन में ऐड करें तो आपको ज़्यादा अच्छा है। फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, और विटामिन सी का कोई क्रीम या सीरम या फिर एसेंशियल ऑयल आप अप्लाई करते हैं तो उसको आप अपने नाइट केयर जो है स्किन रूटीन में ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।